578 marks in NEET examination. And the best faculty is provided by the IDEAL, best schedule is provided by the IDEAL, and also the best material support is provided by the IDEAL. Proud to be an IDEALite. 2024 में 10 बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. We should keep in mind three things, that is calmness, confidence and courage. सब बच्ची को स्कूल तो भेजिए, पढ़ाइए और आपका नाम रोशन वही रखिए. आशीर्वाद रहने दे और ऐसा ही जो अभी 15 हुआ है ऐसा कल 150 होने दे. सब बच्ची को स्कूल को भेजिए, पढ़ाइए और आपका नाम रोशन वही करती है. I was in 12. I scored only 52%. That is not even being great. The life may give me more opportunities going forward. So I pursued my civil engineering and got distinction all across this semester. And after completion of my graduation, I shifted to UPSC. While shifting to UPSC, many people suggested me that it is not a cup of tea. That a person coming from Bidar district or Basavilan taluka will not get success in UPSC examination. Many people said to me, but I had two D's. One is discipline and second is determination. So for any competitive examination, after 3 C's, what comes is 2 D's. Must you have determination. Unless and until you have determination, you cannot achieve anything in your life. Thank you.
इस साल का जो हमारे स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देखा तो हमने कितना अचीव किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नीट एग्जामिनेशन के बारे में। फ्रॉम आईडियल पीयू कॉलेज अराउंड 26 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम देखा था इस साल में, और कुल 26 स्टूडेंट्स में से अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर अबव 500। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 26 बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं नीट का, और 26 में से 10 स्टूडेंट 500 अबव स्कोर करते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा जेईई रिजल्ट के बारे में। फ्रॉम अवध कॉलेज अराउंड 10 स्टूडेंट्स ने जेईई एग्जाम लिखा था, उसमें से 8 स्टूडेंट्स ने जेईई एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इसमें से जेईई स्टूडेंट जो जेईई में एग्जाम लिखा था स्टूडेंट है, उसमें से अराउंड 3 स्टूडेंट थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, और नीट की तैयारी करते हुए उन्होंने जेईई एग्जाम भी लिखा था और जेईई एग्जाम क्वालिफाई किया था उन्होंने। थैंक यू सो मच। बहुत से बच्चे नीट के लिए असफलियां छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि जहां बाहर जाकर वो अपनी तालीम हासिल करने में कामयाबी का जो रेशो था बहुत ही कम था। लेकिन हमने सोचा कि जिन बच्चों को जो अफोर्ड कर सकते थे वो वहां जा रहे थे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास वहाँ ट्रैवलिंग करने का, खर्चा करने का, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने का उनको मौका नहीं मिल रहा था, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चों के साथ पहला बैच का आगाज किया था सुपर 30 के नाम पर। सिर्फ एडमिशन ही हमारे पास 30 बच्चे थे, लेकिन उन्हीं 30 बच्चों को हमने स्टार्टअप में लेकर उनको सुपर 30 के लिए नीट के प्रोग्राम की तालीम दी। 2020 में 3 बच्चे क्वालिफाई करे, 2022 में हमारे पास 5 बच्चे, और 2023 में 7 बच्चे, 2024 में 10 बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र गुजार हूं। मैं तमाम पेरेंट्स का जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, समाज के वो तमाम लोगों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, विश्वास किया, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और यहाँ वो जो तालीम के लिए बाहर जाने का रुझान था, अल्हम्दुलिल्लाह कसो कल्याण में जो नीट्स क्वालिफाई करने का रेशो सामने आ रहा है, अब आने वाले दिनों में मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप नीट हो या JEE हो या सिविल सर्विसेज हो, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा इदारा आपकी खिदमत के लिए तैयार है। I couldn't have done this without your help. I really appreciate your help.